ब्रिटेन से एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने वाली एक महिला टीचर को यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोर्ट पहुंची, तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। ये मामला ब्रिटेन की एक्सेटर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। एनेट प्लाट 29 साल से यहाँ फिजिक्स पढ़ा रही थी। यूनिवर्सिटी ने एनेट को अचानक नौकरी से निकाल दिया। महिला टीचर ने यूनिवर्सिटी से निकालने का जब कारण पूछा, तो यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि उनकी आवाज तेज है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का मानना था कि एनेट प्लाट चिल्लाकर पढ़ाती हैं। एनेट यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची। कोर्ट जाने के बाद मामले में ट्विस्ट आ गया। यूनिवर्सिटी ने टीचर को हटाने की अपनी दलील बदल दी। यूनिवर्सिटी का कहना था कि एनेट ने छात्रों से बुरा बर्ताव किया, इसलिए उन्हें हटाया गया। टीचर ने कहा कि उनकी तेज आवाज की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया। महिला टीचर 2 बार पहले भी सस्पेंड हो चुकी थी। महिला टीचर ने कहा कि उनकी आवाज शुरुआत से ही तेज है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने महिला टीचर के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को आदेश दिया कि वो टीचर को 1 करोड़ का मुआवजा दे। हालांकि ब्रिटेन में कोर्ट के इस फैसले के बाद एक्सेटर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।